साथियों गांधी जी कहते थे कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है आत्मबल इसलिए मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि ग्राम स्वराज की ये सोच सिद्धियों की तरफ आगे बढ़े गुजरात में अपने लंबे सेवा काल के दौरान मुझे ग्राम स्वराज के विजन को जमीन पर उतारने का अवसर मिला है निर्मल गांव के संकल्प के साथ खुले में शौच से मुक्ति जल मंदिर अभियान के माध्यम से गांव की पुरानी बावड़ियों को पुनर्जीवित करना ज्योतिर्ग्राम योजना के तहत गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाना तीर्थ ग्राम योजना के तहत गांव में दंगे फिसाद के बदले में सौहार्द को प्रोत्साहन देना ई ग्राम और ब्रॉडबैंड से सभी ग्राम पंचायतों की कनेक्टिविटी ऐसे अनेक प्रयासों से गांव और गांव की व्यवस्थाओं को राज्य के विकास का मुख्य आधार बनाया गया बीते दो दशकों में गुजरात को ऐसी योजनाओं के लिए विशेषकर पानी के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी अनेकों अवार्ड भी मिले हैं साथियों 2014 में जब देश ने मुझे ये नया दायित्व तो दिया तो मुझे गुजरात में ग्राम स्वराज के अनुभवों का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का अवसर मिला ग्राम स्वराज का मतलब सिर्फ पंचायतों में चुनाव कराना पंच सरपंच चुन, चुनना इतना ही नहीं होता है ग्राम स्वराज का असली लाभ तभी मिलेगा जब गांव में रहने वालों की गांव के विकास कार्यों से जुड़ी प्लानिंग और मैनेजमेंट तक में सक्रिय सहभागिता हो इसी लक्ष्य के साथ सरकार द्वारा विशेषकर जल और स्वच्छता के लिए सवा दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को दी गई है आज एक तरफ जहां ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं दूसरी तरफ पारदर्शिता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है ग्राम स्वराज को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का एक बड़ा प्रमाण जल जीवन मिशन और पानी समितियां भी है